और मेरे प्रिय साथियों, साथियों मेरा विषय है वैश्वीकरण और भारतीय संस्कृति, और मैं अविरल अभिलाष आप लोगों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मानवीय गुणों के संस्कारों से अनुप्राणित जीवन जीने की शक्ति ही संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व परिवार की भावना के साथ हित चिंतन करना भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। साथियों, आत्मसात करने की शक्ति इसे व्यापक बनाती है। लेकिन आज वैश्वीकरण का दौर बाजारोन्मुखी है और इसीलिए इसका दृष्टिकोण मानव जीवन के राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आयाम को प्रभावित करता है। ये साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति की विराटता व विशाल उदारता इतनी अधिक है कि उसकी अद्भुत व अनुपम हमें प्रतीत होती है। साथियों, आनो भद्रा कृतो व्यंतु विश्वतः तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी संस्कृति के प्राण तत्व है, जिसका अर्थ है कि हमें सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो तथा सभी सुख शांति से पूर्ण रोग मुक्त हो और किसी के हिस्से में दुख ना आए। साथियों, ये कामना अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए नहीं, सोशल साइंस अपितु संपूर्ण जनमानस के लिए है। साथियों, जबकि हमारा जो वैश्वीकरण है, आज का जो वर्तमान का वैश्वीकरण है, वो बाजारवाद पे हावी हो रहा है। और प्रिय साथियों, इसीलिए आज या यूं कह लें कि ये इसका दृष्टिकोण जो है वो व्यक्ति को वस्तु बनाने का संपूर्ण उपक्रम करता है। इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है आईपीएल में खिलाड़ियों का बिकना। साथियों, खेल भावना सामूहिकता का प्रसार करती है और इसीलिए ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास को इंगित करती है। लेकिन प्रिय साथियों, ये और एक बात, ये खेल भावना जो होती है, ये स्वयं का वो अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु साथियों, किसी कंपनी व व्यक्ति के हाथों में खुद को करोड़ों में बेच देना, भला कौन से समाज व राष्ट्र चेतना का विकास होगा, ये प्रश्नगत है। साथियों, इस प्रकार अनेक बदलाव व आघात भारतीय संस्कृति में सहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की जिगीसा व जिजीविसा बन गई है कि उसने अनंत काल से अनेक विरोधों का सामंजस्य कर आत्मसात कर लिया है और अपने अंदर की उज्जवल चेतना से संपूर्ण विश्व को ज्योतिर्मय दृष्टि प्रदान कर रही है। साथियों, आज का दौर अंधविश्वास, अंध विकास की दौड़ में टिकाऊ विकास की अवधारणा तथा यूएनओ द्वारा विश्व योग दिवस का घोषित किया जाना और धर्म बंधन को तोड़कर सर्वाधिक राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाना, ये इसके अद्वितीय प्रमाण है। और अंत में मैं अल्लामा इकबाल की कालजयी पंक्ति मेरे मन से निकल पड़ती है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों का चयन होना या उसकी जो प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है, और आपने कहा कि आईपीएल में जितने खिलाड़ी को बेचे जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए खिलाड़ियों को कहीं कड़ी मेहनत करने के बाद उधर पहुंचना पड़ता है, आईपीएल में खेलने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलना उनके बीच का एक लिंक है? अजीत जी, लगता है आपने इसकी सुना नहीं था। मैंने कहा कि खेल भावना सामूहिकता का प्रचार करती है, खेल भावना सामूहिकता का प्रचार करती है और ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास को इंगित करती है। वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति के लिए लाभकारी है या नहीं? बेशक लाभकारी है, और आपने भी मेरा इसकी लगता ध्यान से नहीं सुना क्योंकि हमने कहा कि सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ओनली टू क्वेश्चन अलाउड।